नमस्ते दोस्तों, दीपक ऑटो सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 की माइलेज को कैसे सेट किया जाता है। देखिए, बजाज पल्सर है, इसे हम माइलेज सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये RPM स्क्रू है और यहाँ पर देखिए माइलेज स्क्रू, डीजल का एक स्क्रू है अंदर साइड। तो देखिए यहाँ पे एक अंदर का स्क्रू है, इससे माइलेज सेट किया जाता है और इससे स्क्रू बढ़ाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले ये ढक्कन खोल के दिखाता हूँ आपको। तो इससे दिख नहीं रहा साइड, ढक्कन मैं खोल लूँगा। हम स्पीड बढ़ा लेते हैं इसका। पहले माइलेज सेट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा गाड़ी को गर्म कर लें या कुछ दूर चला लें, उसके बाद माइलेज सेट किया जाता है। सबसे पहले हम इसे स्पीड बढ़ा लेते हैं और इस जगह पे स्क्रू होता है। देखिए स्क्रू ड्राइवर से अब देखेंगे तो आपको स्क्रू नजर आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी बंद करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस जगह पे स्क्रू आपको नजर आएगा, दिखा? देखिए ये स्क्रू है, इसी को हम घुमाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसका फिर से। सबसे पहले तो इसे हम पूरा टाइट कर लेंगे। पूरा टाइट हो गया, उसके बाद इसे धीरे धीरे हम खोलेंगे। स्पीड इसका धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए इस जगह पे ज्यादा स्पीड है, इंजन की ज्यादा RPM है इस जगह पे। उसके बाद जिस जगह पर टॉप स्पीड हो जाएगा गाड़ी का, ज़्यादा RPM हो जाएगा, इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी, इससे हल्का हाथ होना हम एक्स्ट्रा खोल देंगे, जिससे इंजन में थोड़ा फ्लोपन आ जाएगा, भरभराहट टाइप का आवाज आएगा। उसके बाद इसे हम यहाँ पर इस जगह पर छोड़ देंगे और इसे हम हाथ से उल्टा घुमा के इंजन की स्पीड को स्लो कर देंगे। इतना स्लो करेंगे कि गाड़ी बंद ना हो और ज्यादा रेस भी ना रहे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब ये माइलेज सही देगा। आप माइलेज चेक करने के लिए प्लग का सहारा ले सकते हैं, प्लग खोल के चेक कर सकते हैं। अगर व्हाइट है तो सही दे रहा, ब्लैक है तो सही नहीं दे रहा। पल्सर का मिनिमम 50 से 55 एवरेज होना चाहिए 150 का। अगर उससे कम दे रहा तो माइलेज सेट कर ले। माइलेज सेट करने से नहीं होता है दोस्तों, इसका फिल्टर भी चेक करना पड़ेगा आपको। फिल्टर क्लीन रखना पड़ेगा हमेशा। सेट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसे लूज करेंगे, तो आप ये स्क्रू को फुल टाइट करके, जो जनरली होता है सभी गाड़ियों में होता है, 6 बार खोल लेंगे टाइट करके। 6 गुना 150 जितनी भी गाड़ी होती है उसमें 6 गुना खोला जाता है, 6 गुना आप खोल लेंगे। उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसे कम बेसी कर लेंगे जिससे कि गाड़ी बंद ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में आपको और भी नई नई जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।